कार्यक्रम जो है आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बसंत बहार रखा गया है। ये हमारी जो एक मेन संस्था है स्पर्श ऐसा जिंदगी का, तो उनके सहयोग से हम लोग सारा ये काम कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष हैं हमारे सोमेश्वर शर्मा जी। तो इसका ये पर्पस यही है कि कम से कम जो उभरते कलाकारों को मौका दिया जाए ताकि वो सामने आए और उनको मंच मिले। और देखिए, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो कि दिल से दिलों को, दिमाग से दिमाग को जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ये वैमनस्यता को भी दूर करता है। कहीं जिसे दुश्मनी हो ना, गाना गा दो, देखो सब इकट्ठे हो जाते हैं कलब में। तो ये एक तरीका है कि समाज को एकत्रित करने का, तो उसमें संगीत बड़ी महत्व है। तो उसमें जो हमारे साथ जितने संस्थाएँ हैं, खासकर जो स्पर्श, जिसने कि एक मोटिव दिया है आज कि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है आज, और माँ सरस्वती इन सब की द्योतक है, संस्कार की, हमारे ज्ञान की, संगीत की। तो उन्हीं को उनके जिसमें आज बसंत बहार के नाम से सब लोग आनंद ले रहे हैं, गाने चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो स्पर्श एहसास जिंदगी का 2014 में हमने इसको गठित किया था। वो इस मकसद से किया था कि हम लोग कुछ नए टैलेंट को, उभरते हुए टैलेंट को ऊपर लाएं और उनको ही मौका दें, क्योंकि वैसे लोग स्टेज पर बहुत गाते हैं गाने, सब सारी दुनिया गा रही है, लेकिन हम ऐसा टैलेंट चाहते हैं कि जो लोग नहीं स्टेज पर आ सकते उनका फियर दूर हो और वो लोग आगे आके इसको मतलब निभा सकें। तो मेरा मेन मकसद है कि जब भी मैं कोई नया प्रोग्राम करता हूँ तो नए बच्चों को ज़रूर ऐड करता हूँ।